चले जी ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट की चंद केस स्टडीज हैं जो अब हमने करनी है इसमें पहली केस स्टडी हमारे पास है बीटीएस कंपनी ठीक है बीटीएस कंपनी की केस स्टडी है और इसकी स्टडी में हमें करना क्या है सर इस केस स्टडी में हमें स्ट्रेटेजिक टेक्टिकल और ऑपरेशनल रिस्क बताने हैं और साथ साथ ये बताना है कि भाई कौन से मेथड्स हैं जिससे इस रिस्क को एलिविएट यानी कि मिनिमाइज किया जा सकता है यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है ठीक है

कंपनी की पॉलिसी ये है कि भाई जितना देर कर सकते हो देर करो देर से पैसे दो और अगली रिक्वायरमेंट्स के बारे में ना बताओ ताकि उसको यही पता ना हो कि आपको फ्यूचर में कितने चाहिए अदर रॉ मटेरियल मेटीरियल इंक्लूड फैब्रिक्स फॉर चेयर एंड सोफा कवर्स हाव एवर ए माइनॉरिटी ऑफ सेल्स आर लॉस्ट बिकॉज द करेक्ट फैब्रिक इज नॉट अवेलेबल फॉर द कस्टमर क्या होता है जी यहाँ पर आप बाकी रॉ मटेरियल के अंदर आपका फेब्रिक आता है जो चेयर और सोफा के लिए होता है कभी कभी कुछ सेल्स ऑर्डर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि आपके पास करेक्ट फैब्रिक अवेलेबल नहीं होता कस्टमर के लिए द मेन रीजन फॉर दीज स्टॉक टू बी दैट द प्रोक्योरमेंट मैनेजर फिगेट्स टू ऑर्डर द लो प्रोक्योरमेंट मैनेजर भूल जाता है कभी कभी ज्यादा बेचारा बिजी रहता है कभी कभी सुबह घर से लड़के आता है नहीं पता होती चीजें भूल जाता है ऑर्डर करना कंपनी के प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फास्ट कोर ये इनका डिस्ट्रीब्यूटर है नेशन वाइड कोरियर फर्म हाव ड्यू टू द साइज ऑफ द चेयर्स एंड सोफाज इट इज एसेंशियल दैट द कस्टमर इज अवेलेबल

तो सवाल का मैटर इजी है लेकिन थोड़ा सा हमें इस तरह से सोचना है कि कौन सी चीज़ें जो स्ट्रेटेजी लेवल पे मसला करेगी कौन सी है जो छोटे मोटे ऑपरेशन को हट करेगी और कौन है जो एक दो साल के टेक्टिकल मसाइल को जो है वो खड़ा कर देगी और फिर उसके बाद उसके कंट्रोल्स को भी हमने यहाँ पे बताना है सही है चलें जी अगेन आई एम गिविंग यू फाइव टू सेवन मिनट्स टाइम इसको सॉल्व करें फिर मैं इसके सोलूशन को यहाँ पे ड्राफ्ट करता हूँ लेकिन लिखिएगा ज़रूर ये पाँच से सात मिनट ज़ाय नहीं कीजिएगा चलें जी अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क कौन कौन से समझ में आए आप लोगों को आ, हमारे पास मिनहाल का आंसर आया है सर कलेमिटी का रिस्क है रिकवरी ऑफ डेटा में नॉट बी पॉसिबल बिल्कुल सही बात है स्ट्रेटेजिक क्लासिफाई किया है इसको क्या क्लासिफाई किया है तुमने रिस्क तो सारे लिख दिए क्लासिफिकेशन नहीं की है उनकी देखो अगर मैं स्ट्रेटेजिक की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक में एक रिस्क मेरे पास आईटी का रिस्क है अगर केस कोई वायरस अटैक होता है कोई क्लैमिटी आती है कोई इस तरह की चीज आती है तो आपके पास बैकअप नहीं है और अगर आपकी वेबसाइट डाउन हो गई तो यूर आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग स्ट्रेटेजिक मसला है पूरी कंपनी रुक जाएगी सारी इन्वेंट्री रुक जाएगी सब कुछ फाइलअप होना रुक जाएगा हर चीज पूरी जो है वो रुक जाएगी स्ट्रेटेजिक रिस्क बेसिकली क्या है आपके पास स्ट्रेटेजिक रिस्क वो है जहां पर आपकी कंपनी का मेजर चंक रुक जाए बहुत सारे काम रुक जाए इस तरीके से तो ये बारह स्ट्रेटेजिक आपका आईटी रिस्क है जहां पर आपने कोई बैकअप नहीं किया हुआ कोई इस तरह की चीज नहीं की तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स क्या लगाने चाहिए यहाँ सर आपके पास बैकअप साइट होनी चाहिए यहां पर आपके पास डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए इस तरह की चीजें यहां पर जो है आपके पास होनी चाहिए ठीक है फिजिकल आउटलेट्स हो आपके 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 बैकअप्स बने हुए हों आपका आईटी सिस्टम प्रॉपर तरीके से डिफाइन हुआ हुआ हो ये वाली सारी चीजें जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दूसरा आपका जो स्ट्रेटेजिक मसला है दूसरा सारी सेल्स चली जाएंगी सारी सेल्स चली जाएंगी अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका चला गया इज ग्रैंड लेवल का रिस्क पे कंपनी पूरी आपकी जो है वो अफेक्ट हो सकती है अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन uh, के परस्पेक्टिव से हमें क्या बताया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के परस्पेक्टिव से बताया हुआ है कि भाई ये एक फास्ट कोर नाम की कंपनी है हम उसके ऊपर हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट है हंड्रेड परसेंट हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है और वहां पर जो है वो बेसिकली अगर कल को फास्ट कोर को कुछ हो जाता है इफ एनीथिंग हैपेंस टू फास्ट कोर फास्ट कोर आर एंटायर सेल सिस्टम विल बी स्टॉप जीरो कंट्रोल हमारे सेल्स सिस्टम के ऊपर कोई हमने इस तरीके से सूरत हाल जो है वो नहीं की हुई कि अगर कल को कोई इश्यू होता है कल को कोई मसला होता है इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो कोई हम कुछ कर पाएंगे दूसरी बात आर कस्टमर कंप्लेन्ट्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे यहां पर इन्होंने बताया था ओनली फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ डिलीवरीज आर एक्चुअली मीटिंग दिस क्राइटेरिया इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेन तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कस्टमर कंप्लेट्स का बढ़ता हुआ नंबर इंक्रीजिंग एवरी अदर डे इससे क्या होगा सर आपकी सेल्स नीचे आ जाएंगी आपका ब्रांड नीचे आ जाएगा ठीक है और आपकी कंपनी लिक्विडेशन के करीब जा सकती है स्ट्रेटेजिक रिस्क इस लेवल के रिस्क होते हैं बिजनेस लेवल के रिस्क होते हैं यहां पे ये सारे मस्ते मसाइल आ जाते हैं ठीक है तो आपको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए जिसमें आपके मल्टीपल एरिया वाइज हो सकता है वाइज हो सकता है मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स हों और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो विद द कस्टमर ताकि कोई कंप्लेन ना आए दो घंटे की विंडो के बाद भाग जाता है डिस्ट्रीब्यूटर आपका विद द कस्टमर बिफोर डिलीवरी डिलीवरी से पहले आप कस्टमर से प्रॉपर बात करें डिस्कस करें कि भाई वो घर पे है नहीं है हम सामान भिजवाएं या नहीं भिजवाएं फिर इसके बाद एक और चीज यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई हुई हुई है सर एक टेक्टिकल लेवल का रिस्क है वो है आपकी डिपेंडेंस ऑन योर डिपेंडेंस ऑन योर प्रोडक्शन वाले लोग मिस्टर जोन्स द प्रोडक्शन कंट्रोलर्स किसी का कैमरा ओपन हो गया है यहां पर अगली चीज है आपके प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आपकी प्रोडक्शन अफेक्ट होगी व्हेन दे लीव द जॉब

तो फिर बारल आपके पास ये सारा जो है वो मसला आएगा फिर अगला रिस्क है आपका सप्लायर का डिपेंडेंस ऑन वन सप्लायर। ये भी आपका टेक्टिकल लेवल का रिस्क है अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये स्ट्रेटेजिक रिस्क क्यों नहीं है टेक्टिकल है? क्यों है क्योंकि देखो तो सप्लायर मिल फॉरन जाता है लकड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है कि बंदा कोई एक ही जो है वो दुनिया में बेच रहा होगा सप्लायर आपको मिल जाएगा लेकिन उसके साथ एडजस्ट करना उसके साथ चीजें तय करना क्वालिटी डिसाइड करना चीजें करना इसमें आपका वक्त लगेगा साल दो साल लग जाएंगे आपको एक अच्छे सप्लायर के साथ अच्छा मटेरियल चूज करने में और फिर उसके साथ आपका रिलेशनशिप बन जाए वो आपको टाइम पर डिलीवर करे चीजें करे ये सब आपको उसको टाइम लग जाएगा आपकी डिपेंडेंस एक सप्लायर के ऊपर है कल को ये सप्लायर अगर चला गया या इस सप्लायर के पास अगर चीज मौजूद नहीं हुई तो आपके सेल्स में लॉस आएगा कंपनी नहीं बंद हो जाएगी इससे लेकिन इधर तो आपकी कस्टमर कंप्लेंट इतनी इंक्रीज कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन वाला मसला तो ऐसा है कि इतनी कस्टमर कंप्लेंट लूज कर रही है कि आप सारी सेल्स खो देंगे सारी सेल्स चली गई ब्रांड नीचे गया कंपनी बंद कर देना फिर और कोई काम बचेगा ही नहीं आपके पास तो यहाँ पे आपकी डिपेंडेंस एक सप्लायर के ऊपर है टेक्टिकल लेवल का रिस्क है क्यों क्योंकि कल को अगर आ रही है। अब आ रही होगी बन ठीक है तो आप यहाँ पे सप्लायर को लेट पेमेंट कर रहे हैं लेट पेमेंट करने के साथ साथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स भी इसको नहीं बता रहे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स भी आप इसको जो है वो साथ साथ नहीं बता रहे ठीक है तो ये सारी चीजें ओवरऑल परस्पेक्टिव में मसला क्रिएट कर सकती हैं आपके पास प्रॉपर पेमेंट पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए प्रोडक्शन की और आपके पास एटलीस्ट नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स होना चाहिए सप्लायर मिल तो जाएगा आपका वक्त बहुत लग जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा सारी चीजों में ठीक है ना और फिर आपका एक ऑपरेशनल लेवल का रिस्क है सर वो ऑपरेशनल लेवल रिस्क क्या है हमारे पास ऑर्डरिंग की कोई फैब्रिक uh, ऑर्डरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है और उस मैकेनिज्म की वजह से कभी, कभी 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 ऐसा होता है कि भाई कुछ माइनॉरिटी ऑफ सेल्स ऑर्डर में कस्टमर की कंप्लेन आ जाती है कुछ ऑर्डर चले जाते हैं हमारे इस वजह से क्योंकि हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते जो साहब है हमारे ये फगेट्स टू ऑर्डर ये भूल जाते हैं ऑर्डर करना तो ये बहरहाल आपके पास इसका इसका जो है वो कोई ना कोई इलाज होना चाहिए कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए वरना फिर ये मस्ते मसाइल जो है वो रहेंगे ठीक है स्टॉक आउट ऑफ फैब्रिक माइनर लॉस आपका यहां पे माइनर लॉस ऑर्डर्स का हो रहा है तो यहां पे क्या है मसला आपके ऑपरेशंस का है आपने ऑपरेशन को वेल well डिफाइन नहीं किया हुआ इसको वेल well डिफाइन करने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए सर इसको वेल well डिफाइन करने के लिए आपकी प्रॉपर स्टॉक की प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर स्टॉक की प्लानिंग होनी चाहिए और रीऑर्डर लेवल्स डिफाइन होने चाहिए इन्वेंट्री प्लानिंग रीऑर्डर लेवल्स ये आपके प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पे डिफाइंड होने चाहिए सर ये ऑर्डरिंग टेक्टिकल क्यों नहीं क्योंकि प्रोक्योरमेंट मैनेजरल लेवल पे है नहीं इसका नुकसान सोचो ना इसका नुकसान आप सोचें अगर अभी ये नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है ठीक है एक ऑपरेशनल मसला है ऑपरेशन में हमने इस चीज को इंक्लूड नहीं किया हुआ लेकिन माइनॉरिटी ऑफ सेल्स ऑर्डर में ये चीज आती है ओकेजनली आती है कभी कभी आती है इतना कोई बड़ा इंपेक्ट इस चीज का हमारे ऊपर नहीं होता लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए तो हम अगर एक इन्वेंट्री प्लानिंग री ऑर्डर लेवल्स प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे हमारी परचेज रिक्वेजिशन बनती होंगी तो हम इस सब की मदद से टाइमली ऑर्डर कर पाएंगे विद द सप्लायर मैग्नीट्यूड समझें, स्ट्रेटेजिक रिस्क ये होता है जो मेजोरिटी आके हिट करता है आपको जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स कल को ही चले गए आपका ब्रांड बचेगा ही नहीं फिर टेक्टिकल आती है वो चीज़ें जो साल से डेढ़ साल पे आपको इफेक्ट करती हैं या थोड़ा सा मेजर टर्म्स में आपको इफेक्ट करती हैं ऑपरेशनल लेवल के मसाइल भी ऑपरेशन के लेवल पर होते हैं सही इम्पैक्ट कभी कभी इनका जो है वो रिलेटिवली ज्यादा हो सकता है जैसे मैंने आपको फायर एक्सीडेंट वगैरह का बताया था कि अगर कभी कोई आग लग जाती है एम्प्लॉज की कोई जान चली जाती है खुदा ना खास्ता तो उसका इम्पैक्ट उनकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा तो कंपनी को इसके कंट्रोल्स फौरी फौरी करने चाहिए लेकिन कंपनी परस्पेक्टिव से बहरल ये एक ऑपरेशनल मसला है स्ट्रेटजिक मसला नहीं है अगर एक एम्प्लॉई की खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट uh, में डेथ हो जाती है तो इससे कोई कंपनी बंद नहीं हो जाएगी एट द मोमेंट ठीक है तो ये हमारी यहाँ पे एक केस स्टडी हुई अब हम अगली केस स्टडी की तरफ चलते हैं